बिहार से लेकर झारखंड तक कहलगांव, मिर्जा चौकी और घोघा से गिट्टी बालू का निर्यात होता रहता है, जिसकी जानकारी के बाद एसएसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई और ट्रक ड्राइवर के रूप में उसकी रेकी की, जिसमें पुलिस ने काफी अहम जानकारी इकट्ठा की और एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस को छापेमारी के दौरान 12 लाख रुपए और कई अहम दस्तावेज भी मिले। दिनों से यह शिकायत मिल रही थी कि विशेष करके मिर्जा चौकी से जो NH80 है उस पर जो ट्रकें चलती हैं वो ओवरलोडेड चल रही हैं और पुलिस के द्वारा उस पर निरंतर कार्रवाई की जा रही थी, मगर फिर भी इसके पूर्ण विराम नहीं लग पा रहा था। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह है जो कार्य कर रहा है और जिसके द्वारा ओवरलोडेड गाड़ियों को पार कराया जा रहा है। इसी सूचना पर SDPO कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा पहले रेकी किया गया। ट्रक में एक ट्रक ड्राइवर बन करके इन पूरी टीम ने रेकी किया और इन्होंने पाया कि कई जगह से उसको पार कराया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, गिरोह के द्वारा जो भागलपुर का क्षेत्र है उसमें। फिलहाल पुलिस की निशानदेही पर लगातार छापेमारी चल रही है और कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद क्या सही में इन इलाकों में ट्रकों पर ओवरलोडिंग का सिलसिला थम जाएगा या एक बार फिर ये गिरोह संगठित होकर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाता रहेगा।